दोस्तों, कि आप भी अपने बर्थडे में अपनी फोटो पर सॉन्ग लगाकर जो है वो स्टेटस को लगाना चाहते हो। मान लो कि आप जो है वो बर्थडे में स्टेटस लगाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप अपनी फोटो पर सॉन्ग लगाकर स्टेटस को डालो, तो आप कैसे अपनी फोटो पर सॉन्ग लगा सकते हो, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से जो है वो आप अपनी फोटो पर जो है वो सॉन्ग लगाकर व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो। सबसे पहले तो हम जो है वो व्हाट्सएप में चेक कर लेते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है जिसकी मदद से जो है वो हम अपनी फोटो पर जो है वो सॉन्ग लगाकर स्टेटस लगा सकें। तो हम सबसे पहले जो है वो अकाउंट में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से जो है वो हम अपनी फोटो पर सॉन्ग लगा सकें। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले आपने व्हाट्सएप को कट कर देना है। व्हाट्सएप को कट करने के बाद में दोस्तों, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो आप बड़ी ही आसानी से जो है वो अपनी फोटो पर जो है वो सॉन्ग लगाकर जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो। मान लो कि यहाँ पर आपने जो है वो इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है, तो आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने जो है यहाँ पर अपनी स्टोरी लगानी है। मान लो कि यहाँ पर ये स्टोरी वाला ऑप्शन आ गया है, यहाँ से आपने कोई भी फोटो जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मान लो कि मैं यहाँ से कोई भी फोटो जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये फोटो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपने करना क्या है, मान लो कि आपने फोटो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपने यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर म्यूजिक वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आपके पास काफी सारे सॉन्ग आ जाएंगे। आप जिस भी सॉन्ग को लगाना चाहते हो आपने उस पर जो है वो डबल क्लिक कर देना है। मान लो कि मैं यहाँ से जो है वो किसी भी सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इस सॉन्ग पर जो है वो डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा सॉन्ग जो है यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर डन कर दूंगा। डन करने के बाद में फिर दोस्तों आपने करना क्या है, मान लो कि यहाँ पर जो है वो आपने डन करने के बाद में आपने फिर से यहाँ पर थ्री डॉट पर करने क्लिक। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने जो है यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। जैसे ही दोस्तों आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में ये वीडियो जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो आप अपने व्हाट्सएप में जो है वो ऐसे ही आप जो है वो सॉन्ग लगाकर जो है वो अपनी स्टेटस को लगा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।